सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। कहने का मतलब यहाँ इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण आपको सुबह सुबह स्टीफनेस, जोड़ों में दर्द, सूजन और धीरे धीरे अगर इलाज ना किया जाए तो हाथ पैरों में टेढ़ापन करने लगता है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज जो मैं देखता हूँ, काफ़ी ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, क्या मुझे चाय पीना चाहिए, क्या मुझे चाय छोड़ देनी चाहिए। तो ये वीडियो उन सारे मरीजों के लिए है, उन सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों के लिए है जो ये सोचते हैं कि क्या मुझे चाय पीना चाहिए, चाय पीने से क्या गठिया बढ़ता है, अगर चाय पीना चाहिए तो किस तरह का चाय फ़ायदेमंद देखा गया है, किस तरह का चाय नुकसान कर सकता है और कितना पीना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों को चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, किस तरह का चाय पीना चाहिए, कौन सी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सो चाय, जहाँ तक कि हम जानते हैं कि आजकल हर घर में ये पहुँच चुका है, ये बहुत ही कॉमन ड्रिंक है जो हर घर में कोई ना कोई पीता है। सो चाय में कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि गठिया के मरीजों के लिए साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस में चाय पीना, कौन सी चाय पीना चाहिए, कौन सी चाय नहीं पीनी चाहिए। सो जो पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा जाता है, वो देखा जाता है कि आप वाटर बेस्ड टी पिए। वाटर बेस्ड कहने का मतलब पानी वाली चाय ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है। मिल्क बेस्ड चाय का बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेडिकल साइंस में फैक्ट्स नहीं आए, लेकिन मिल्क बेस्ड जो चाय होती है उसको जनरली मना किया जाता है। सो वाटर बेस्ड चाय में क्या क्या पी सकते हैं, पहला जो इम्पोर्टेंट देखते हैं, हम बोलते हैं अदरक वाली चाय, जिंजर टी जिसको बोलते हैं। आप सिर्फ गर्म पानी में अदरक डाल के उसको सिर्फ सेवन कर सकते हैं, तो ये फ़ायदेमंद देखा गया है। दूसरा हम बोलते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी गर्म पानी में ग्रीन टी का जो पाउडर होता है या जो पत्ते होते हैं वो डाल के आप सेवन कर सकते हैं। ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं इपीगैलो कैटेकिन 3 गैलेट, और ये बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी और फ़ायदेमंद कंपाउंड है। बॉडी में जहाँ इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, उसको कम करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो देखे गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट चाय वो है ब्लैक टी, जो काली वाली चाय होती है। गर्म पानी करके उसमें आप सिर्फ टी पाउडर डालें तो ब्लैक टी बन जाता है, और ये ब्लैक टी में क्वेरसेटीन होता है कंपाउंड, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये तीन तरह के चाय मेडिकल साइंस में देखे गए हैं कि गठिया मरीज ले सकते हैं, इससे इन्फ्लामेशन, पेन, स्टीफनेस कम हो सकता है। ज़रूरी है दवाई के साथ इसका रेगुलर सेवन करें। अगर आप मिल्क बेस्ड टी ले रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि इन तीन फॉर्म के चाय में कन्वर्ट कर सके तो सबसे ज़्यादा होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कृपया उसमें शुगर ना डालें। बहुत सारे मरीज चीनी डाल के चाय बनाते हैं, जो कि एक हेल्दी ड्रिंक नहीं है। विदाउट शुगर, बिना कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर डाले हुए चाय पीना ज़्यादा सेहतमंद देखा गया है। कितनी चाय पीनी चाहिए? सो एक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि अगर आप 2 और 2 से ज़्यादा कप की चाय पी रहे हैं तो उनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो चांसेस होते हैं, उनमें सीवियरिटी होती है, स्टीफनेस होता है, वो कम देखा गया जो लोग उससे कम चाय पी रहे थे, स्पेशली ब्लैक टी, जिंजर टी और ग्रीन टी। सो रिसर्च में देखा गया आप 2 और 2 से ज़्यादा कप टी ये तीनों ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये जो ग्रीन टी, जिंजर टी या ब्लैक टी है, उसके और भी फायदे होते हैं, जैसे कि ये डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, और हार्ट डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं हार्ट की, उसको भी कम करता है। सो ये टी के बारे में जो वीडियो मैंने बताया आपको, अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियां और जो मेडिकल साइंस, जो जनरल पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है, वो अक्सर मैं डालते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।